हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज के इस एनालिसिस वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं अडानी इंटरप्राइजेस शेयर के ऊपर। इन डिटेल में बात करेंगे तो आप लोग जो है वीडियो को ध्यान से लास्ट तक देखिएगा। अडानी इंटरप्राइजेस के शेयर के ऊपर बात करेंगे तो इस स्टॉक में हम लोगों को फ्राइडे के सेशन में एक मामूली सा गिरावट देखने को मिला। 0.5% के डाउन मूव के साथ स्टॉक जो है क्लोज हुआ है। लास्ट वन मंथ में अगर बात करेंगे, जून मंथ में स्टॉक का परफॉर्मेंस नॉमिनल रहा। 2.25% के नेगेटिव रिटर्न के साथ स्टॉक ने अपने मंथली कैंडल को क्लोज किया है। तो चलिए अब चार्ट्स के ऊपर बात करते हैं, लेकिन उससे पीछे जो न्यूज़ है, यहाँ पे अडानी ग्रुप के प्रमोटर्स ने आपको अडानी इंटरप्राइजेज और अडानी ग्रीन में अपने स्टेक को रिड्यूस किया है, और जो बाई किया है वो GQG एसेट मैनेजमेंट कंपनी ने आपको यहाँ पे बाई किया है। यहाँ पे अगर बात करेंगे तो अडानी इंटरप्राइज में तकरीबन उन्होंने 1.6% का स्टेक बाई किया है। वहीं अगर बात करेंगे अडानी ग्रीन में जो है वो आपको ऑलमोस्ट 3% का स्टेक जो है उन्होंने बाय किया है। तो चलिए अब चार्ट्स के ऊपर हम लोग बात करते हैं। चार्ट के ऊपर अगर हम लोग बात करेंगे तो इस स्टॉक में कंटिन्यूसली हम लोगों को वॉलीटिलिटी देखने को मिल रहा है। यहाँ पे हम लोगों ने डिसाइड किया था अगर स्टॉक इस लेवल के नीचे निकलता है तो फिर स्टॉक में हम लोगों को वापस से 2200 के लेवल को टच कर सकता है, और यहाँ पे क्लियरली हम लोगों को देखने को मिल रहा है जो स्टॉक ने इस लेवल को टच किया भी। तो फिर अभी इस स्टॉक में हम लोगों को क्या करना चाहिए? तो यहाँ पे अभी जो जिस जोन में स्टॉक ट्रेड कर रहा है, यहाँ पे आपको वेट करना होगा, क्योंकि इस जोन में जो है आपके लिए ट्रेड लेना थोड़ा सा रिस्की हो जाएगा। स्टॉक अगर यहाँ पे आपको एक पॉजिटिव सिग्नल देता है, सपोज यहाँ पे वापस से रीटेस्ट करता है और उसके बाद अगर यहाँ पे पॉजिटिव सिग्नल देता है, तो अगर आप इस लेवल पे बाई करते हैं इमीडिएटली इस लो के नीचे अपने एसएल को प्लेस करके आप जो है इस स्टॉक को बाई कर सकते हैं। ऊपर की साइड पहला टारगेट 2750 और उसके ऊपर निकलेगा तो फिर 3000 का लेवल देखने को मिल सकता है। लेकिन अगर ये 2200-2150 का लेवल ब्रेकडाउन होता है तो स्टॉक में वापस से आपको गिरावट देखने को मिल सकता है, जो कि स्टॉक को 2000 और फिर 1900 के लेवल तक लेके जा सकता है। तो अभी स्टॉक जो है एक रेंज में ट्रेड कर रहा है, बेटर होगा यहाँ पे थोड़ा सा ट्रेंड को क्लियर होने दे, उसके बाद ही आपको यहाँ पे बाई करना चाहिए। अब अगर लॉन्ग टर्म के व्यू से हम लोग बात करेंगे, मंथली कैंडल क्लोज हो चुका है तो यहाँ पे हम लोगों को क्लियरली दिख रहा है जो एक शार्प फॉल देखने को मिला था जनवरी मंथ के बाद, उसके बाद यहाँ पे फर्स्ट टाइम पुल बैक आया है। तो अभी यहाँ पे आपको थोड़ा सा वेट करना होगा। अगर वापस से सेलर्स यहाँ पे आते हैं और ये स्विंग लो अगर डिफेंड हो जाता है तो फिर इस स्टॉक में हम लोगों को एक अच्छा तेजी देखने को मिल सकता है। करेंट लेवल पे यहाँ पे जो है लॉन्ग टर्म का व्यू अभी क्लियर नहीं है, क्योंकि स्टॉक में भी फर्स्ट टाइम पुल बैक आया है और अब यहाँ पे सेलर्स ट्राई करना स्टार्ट कर रहे हैं। अगर सेलर्स यहाँ पे नहीं नीचे की साइड स्टॉक को ले जा पाते हैं, यहाँ पे बायर्स डिफेंड कर लेते हैं, एक रेंज बनता है, या फिर छोटा सा पुल बैक के बाद स्टॉक निकलता है, तो फिर इस स्टॉक में एक अच्छा तेजी देखने को मिल सकता है। तो आई होप आप लोगों को सही पॉइंट जो है बिल्कुल क्लियर हो गए होंगे। तो अगर आप लोगों को वीडियो पसंद आया हो, एनालिसिस अच्छा लगा हो, वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दें।